स्वीडन दोस्तों यूरोप का एक ऐसा देश है जो अपनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी के चलते, खुश रहने के चलते और कमाल के लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ना ही इस देश में आपको करप्शन देखने को मिलेगी, लोग बेहद ही ज़्यादा खुश रहते हैं, सैलरीज बेहद ही ज़्यादा इस देश में हाई हैं और दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ज़िंदगी जीने के लिए एक अव्वल दर्जे का देश माना जाता है, लेकिन दोस्तों हर बेस्ट चीज़ में कोई ना कोई कमी देखने को मिली जाती है। और ऐसा ही दोस्तों कुछ बड़ी रिपोर्ट्स का दावा है जिनमें ये साबित हो चुका है कि कुछ मामलों में ना इंडिया स्वीडन से भी ज़्यादा बेटर कंट्री साबित होती है ज़िंदगी जीने के लिए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही कारणों को जिनसे पता चलेगा इंडिया आज भी कितना ज़्यादा बेटर देश है जीने के लिए। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर एक पर दोस्तों नाम आता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स दोस्तों इस देश में भी बेहद ही ज़्यादा वसूला जाता है। हालांकि अच्छी खासी सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन इसके बाद दोस्तों ज़्यादातर लोग फिर भी उतना खुश नहीं रह पाते, क्योंकि यहां पर लोगों के हाथ ना टैक्स देने के पास पैसा काफ़ी कम बचता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने शौकों को पूरा करने के लिए। आज के दिन दोस्तों स्वीडन देश में 52.90% हिसाब की कमाई का टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ले लेती है। यानी अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 53 रुपये तो गवर्नमेंट ही लेने वाली है। लेकिन वहीं इंडिया में दोस्तों ये इनकम टैक्स 10% के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आपकी कमाई थोड़ी ज़्यादा है तो दोस्तों 20 लाख रुपए की कमाई होने के बाद आपको 25 से 30% तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी दोस्तों कमाई करोड़ों में भी हो जाए तब भी इंडिया में आपका टैक्स 30% के आसपास ही देखने को मिलने वाला है। इंडिया में दोस्तों टैक्स काफ़ी कम लिया जाता है स्वीडन के मुकाबले, जिसके चलते इंडिया के ज़्यादातर लोग दोस्तों अपनी नॉर्मल ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अपनी दोस्तों लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कर सकते हैं। अगला जो मेन पॉइंट है वो है दोस्तों वेदर को लेकर। वेदर यहाँ का सही में बेहद ज़्यादा वर्स्ट लेवल का माना जाता है। भले ही इस देश ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन कुदरत ने इसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लेवल का वेदर दिया है। सर्दियों में 4 महीने तक ऐसा समय आता है जब पूरी तरह से डार्क होता है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते, और उस समय दोस्तों यहाँ जीवन पूरी तरह से आपको थमता हुआ नजर आएगा। उस समय तो यहाँ जॉब्स की भी काफ़ी कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर काम दोस्तों उस समय स्वीडन में पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड होती है उस समय दोस्तों की टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस को भी टच करता हुआ नज़र आ जाएगा। इंडिया में भी आपको ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की, और कुछ दिनों के लिए ही टेम्परेचर माइनस में जाता है। और उस समय भी दोस्तों सूर्य देवता इंडिया में अच्छे खासे तरीके से गर्मी ज़रूर वापस लाते हैं। गर्मियों में भी दोस्तों इंडिया में बात करें तो आपको थोड़ी गर्मी के बाद ही अच्छी बारिश देखने को मिल जाती है। वेदर के मामले में इंडिया बेहद ही ज़्यादा आगे है दोस्तों स्वीडन देश के मुकाबले में। और मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से, वेदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ज़िंदगी जीने के लिए। चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन वेदर ना आप कभी चेंज नहीं कर सकते। अगला जो मेन पॉइंट है वो है दोस्तों लिमिटेड फूड का। फूड आपको स्वीडन में भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड देखने को मिलेगा। और बात अगर वेजिटेरियंस की आ जाए तो उनके लिए तो दोस्तों यहाँ कोई चॉइस ही नहीं बचती, उनको मजबूरन नॉन वेज की तरफ जाना ही पड़ता है। वेजिटेरियन फूड की दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे स्वीडन में सिर्फ 3 से 5% लोग ही आज के दिन आपको वेजिटेरियन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके चलते दोस्तों यहाँ वेजिटेरियन फूड की बिल्कुल ही डिमांड नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ अपने देश में दोस्तों 40% आबादी डेली वेजिटेरियन खाना खाती है, और अपने देश में दोस्तों फूड के मामले में ना बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो नाम आता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के मामले में दोस्तों इंडिया दुनिया की टॉप नॉच लेवल की कंट्री है। एग्रीकल्चर के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन दोस्तों इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है। लेकिन स्वीडन देश की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का काम सिर्फ गर्मियों के सीज़न में ही होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में ठंड के चलते यहाँ खेतीबाड़ी का काम बिल्कुल ही हो नहीं पाता। यही वजह है कि आज के दिन यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। तो वहीं इंडिया में बात करें तो इंडिया वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने में पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है, तो फ्रूट्स की प्रोडक्शन में भी इंडिया दुनिया में आता है नंबर 2 पर। एग्रीकल्चर में दोस्तों बिल्कुल ही बराबरी नहीं कर पाता ये देश आज के दिन अपने इंडिया के साथ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी भी
आपको स्वीडन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि आबादी भी दोस्तों अपनी ज़्यादा है, लेकिन जिस देश की नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होती है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का होता है और उस देश की खास तौर पर मिलिट्री भी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाती है, जैसे कि इंडिया की है। वो कंट्री दोस्तों फ्यूचर में सुपर पावर बनने का पूरा रुतबा रखती है। आज के दिन इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3 ट्रिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया की छठे नंबर की कंट्री बनती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात दोस्तों स्वीडन देश की करें तो इस देश की आज के दिन टोटल नॉमिनल जीडीपी 625 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इस तरीके से स्वीडन की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 23 पर। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल के मामले में वैसे स्वीडन कमाल देश माना जाता है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों के अनुसार फ्री में आपको हेल्थ केयर की सुविधाएं तो देखने को मिलेगी, लेकिन डॉक्टर्स की बेहद ही ज़्यादा कमी है। सर्जरी की अगर किसी को यहाँ ज़रूरत पड़ जाए उसको तो दोस्तों 8 से 12 मंथ तक भी वेट करनी पड़ जाती है। लेकिन इंडिया में आप जानते हैं दोस्तों सर्जरी का काम आपका 1 वीक के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी होने के चलते, और प्रोसीजर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा है। प्रोसीजर काफ़ी लंबा होने के चलते दोस्तों यहाँ पर कई बार लोग काफ़ी परेशान रहते हैं मेडिकल की सुविधाओं से। आगे बढ़ते हुए बात अगर दोस्तों अगले पॉइंट की करें तो नाम आता है लोनलीनेस का। लोनलीनेस के चलते दोस्तों आज के दिन स्वीडन के काफ़ी सारे लोग ना आपको डिप्रेशन का शिकार होते हुए भी नजर आ जाएंगे। इंडिया में दोस्तों लोनलीनेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा रेयरली काफ़ी कम देखने को मिलती है। रिलेटिव्स होते हैं आपके साथ, नेबरहुड्स के साथ सभी के रिश्ते इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, और शांति दोस्तों यहाँ लोगों की लाइफ में उतनी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए बीमार पड़ने के लिए, यानी डिप्रेशन का शिकार यहाँ इंडिया में लोग कम होते हैं स्वीडन के मुकाबले। यहाँ लोगों को दोस्तों ज़्यादातर ये भी नहीं पता होता उनके पड़ोस में कौन रहता है, और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि दोस्तों उनका रिश्तेदार कौन है। यहाँ के लोग सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखते हुए आपको नजर आएंगे, और ये दोस्तों वहाँ पर डिप्रेशन की एक मेन वजह बन चुकी है, और लोनलीनेस के चलते लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। अगला मेन पॉइंट है दोस्तों जहां पर इंडिया बेटर रहे स्वीडन से, वो है हाउस कंपटीशन। हाउस कंपटीशन में दोस्तों आज के दिन यहां हाउस ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे रिफ्यूजी पिछले दोस्तों 5 से 7 सालों में इस देश में आए हैं, जिसके चलते स्वीडन में अब हाउसिंग का कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ चुका है। प्राइसिस आज तक के सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुके हैं। इंडिया में दोस्तों हाउसिंग की उतनी कॉम्पिटिशन नहीं देखने को मिलने वाली आपको, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी। आज के दिन दोस्तों स्वीडन पूरी दुनिया की बेहद ही ज़्यादा महंगी कंट्री बन चुकी है हाउस नया खरीदने के मामले में, और यहाँ पर तो हाउसेस की काफ़ी आपको कमी भी देखने को मिल जाएगी। वैसे इन पॉइंट्स को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सही में इन पॉइंट्स में दोस्तों आज भी इंडिया स्वीडन से ज़्यादा बेटर कंट्री साबित होती है? आप ना अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है। चैनल दोस्तों आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।